आचार्य चाणक्य विद्वान होने के साथ ही महान शिक्षक भी थे। उनके द्वारा बताई गई नीतियों को अपनाकर जीवन में सफलता पाई जा सकती है। आचार्य चाणक्य ने विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। चाणक्य नीति में पैसा, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज और जीवन में सफलता से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपना ले तो वह सफलता के नए मुकाम हासिल कर सकता है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में बताए हुए इन तीन बातों के बारे में बताया है जो कोई भी पत्नी हमेशा अपने पति से छुपा कर रखती है। पहला, पैसे की बचत। शादी के बाद पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। पत्नी को घर की लक्ष्मी माना जाता है जो घर को चलाने का काम करती हैं। पति से मिलने वाले घर खर्च के पैसों का हमेशा पत्नी अपने पति से छिपा कर रखती हैं और पति को कभी भी इसका पता नहीं चलने देती हैं। इन पैसों को महिला भविष्य में किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए बचा कर रखती हैं। दूसरा, बीमारी के बारे में। शादी के बाद पत्नी अपने पति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि वो अपनी बीमारी की भी बात अपने पति से छुपाती है। पत्नी को ऐसा लगता है कि पति को बीमार के बारे में पता चलने पर उसे परेशानी होगी, लेकिन ये बात भविष्य के लिए बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है। भविष्य में बीमारी बढ़ जाने पर पति को ज़्यादा परेशानी होती है। तीसरा, अपनी इच्छाएं। पत्नी हमेशा पति से अपने मन के भीतर छुपी हुई इच्छाओं को छिपाकर रखती है। कई बार वह चाहकर भी प्यार का इजहार नहीं कर पाती है। साथ ही रोमांस को लेकर भी वह अपने पति के सामने अपने विचार रखने में कतराती है। वह बस पति को हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।